देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। आज गूगल के नाम का मतलब तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेट का मतलब गूगल जरूर हो गया है। भले दुनिया के किसी हिस्से में कोई भी घटना घटी हो, उसकी जानकारी भी हमें यह देता है। असल में देखा जाए तो गूगल एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी पब्लिक कंपनी है, जो इंटरनेट से जुड़ी कई प्रकार की सेवाएं और उत्पाद लोगों को सेवा के रूप में उपलब्ध करती है। आजकल हम लोग हर वक्त गूगल से जुड़े रहते हैं। आप अगर एंड्रॉयड का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि गूगल के द्वारा दी जाने वाली सेवा है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल अपने ही देश में मुश्किलों में घिर गई है। अमेरिका के 36 राज्यों और वाशिंगटन डीसी ने गूगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में आरोप है कि इन दिग्गज सर्च इंजन अपने एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर नियंत्रण एकाधिकार विरोधी कानून का उल्लंघन करता है। क्या है मामला? अमेरिका के 36 राज्यों और वाशिंगटन डीसी ने गूगल के खिलाफ मुकदमा कर आरोप लगाया है कि सर्च इंजन कंपनी द्वारा अपने एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर नियंत्रण एकाधिकार विरोधी कानूनों का उल्लंघन है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि गूगल प्ले स्टोर में कुछ खास अनुबंधों और अन्य प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण के जरिए एंड्रॉयड उपकरण के उपभोक्ताओं को मजबूत प्रतिस्पर्धा से वंचित कर दिया है। इसमें आगे कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने के उपयोगकर्ताओं के अधिक विकल्प मिल सकते हैं और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि मोबाइल ऐप की कीमतों में भी कमी आ सकती है। डिजिटल उपकरणों का गेटकीपर भी बन गया गूगल। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल जेम्स और उसके साथियों ने गूगल पर यह आरोप लगाया है कि ऐप डेवलपर को अपने डिजिटल सामग्री को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से बेचने के लिए मजबूर किया जाता है और इसके लिए गूगल को अनिश्चित काल के लिए 30% तक कमीशन देना पड़ता है। जेम्स ने आरोप लगाया कि गूगल ने कई वर्षों तक इंटरनेट के गेटकीपर के रूप में काम किया है, लेकिन हाल ही में यह हमारे डिजिटल उपकरणों का गेटकीपर बन गया है, जिसके चलते हम उन सभी सॉफ्टवेयर के लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं जिसका हम हर दिन उपयोग करते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपर्स का क्या है कहना? गूगल के खिलाफ पूरे मामले को सामने लाने वाले मोबाइल ऐप डेवलपर्स का कहना है कि गूगल अपनी ही प्रणाली के तहत उनके उत्पादों को लेकर कुछ रकम वसूलती है। गूगल की यह प्रणाली कई ट्रांजैक्शन होने पर उसका 30% के करीब शुल्क वसूलती है, जिसका नतीजा ये होता है कि डेवलपर्स को भी अपनी सेवाएं ऊंचे दामों पर देनी पड़ती है। बता दें कि इसी प्रतिस्पर्धा रोधी बर्ताव की वजह से गूगल प्ले स्टोर मार्केट शेयर 90% से अधिक हो गया और उसे किसी से कोई खतरा भी नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ भी हुआ था कुछ ऐसा ही। आज से ठीक 22 साल पहले 1998 में माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जब माइक्रोसॉफ्ट के आसपास सभी प्रोडक्ट्स की बंडलिंग करने का आरोप लगाया गया था। जिस वक्त माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा किया गया था, उस दौर में गूगल केवल एक स्टार्टअप था और उसने उस समय दावा किया था कि माइक्रोसॉफ्ट की कार्यप्रणाली या व्यवहार प्रतिस्पर्धा विरोधी है। भारत पर क्या असर पड़ेगा? साल 2020 में गूगल बनाम पेटीएम की जंग तो आपको याद ही होगी, जब गूगल ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए पेटीएम के ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था। तब पेटीएम ने आरोप लगाए थे गूगल अपने दूसरे ऐप्स के बीच भेदभाव करता है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा स्मार्ट टीवी मार्केट में गूगल की दादागिरी की जांच की जा रही है। मामला स्मार्ट टीवी में इंस्टॉल होने वाले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के सप्लाई से जुड़ा है, जो भारत में बिक रहे ज्यादातर स्मार्ट टीवी में पहले से इंस्टॉल मिलता है। वहीं टेक विशेषज्ञ के अनुसार अमेरिका में गूगल के कॉर्पोरेटिव वर्चस्व को खत्म करने की कार्रवाई हुई तो इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। किसने बनाया गूगल? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको गूगल के संस्थापक का नाम पता है? गूगल को दो लड़कों ने मिलकर बनाया, जिनके नाम लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं। रिस्ट्रक्चरिंग के तहत 2015 में गूगल ने पैरेंट कंपनी अल्फाबेट बनाई थी और भारतीय मूल के सुंदर पिचाई को गूगल का CEO बना दिया। गूगल के फाउंडर्स ने पहले इसका नाम बैकरब रखा था, जिसके बाद गूगल किया गया। बता दें कि एक के पीछे 100 लगाने पर जो संख्या बनती है उसे गूगल कहा जाता है और इसी शब्द से बना है गूगल। कैसे करता है कमाई? गूगल के 40 देशों में 70 से भी ज्यादा ऑफिस है। गूगल ने पिछले 12 सालों में 127 कंपनियों को खरीदा है। गूगल की 95% से भी ज्यादा कमाई उसके विज्ञापन से आती है। आपको तो ये पता ही होगा कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल की ही देन है, पर क्या आप ये जानते हैं कि हर 5 में से 4 फोन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं? गूगल ने अपने हेड ऑफिस में 200 बकरियों को घास खाने के लिए लगा रखा है। दरअसल गूगल अपने दफ्तर के लॉन में घास काटने वाली मशीन का उपयोग नहीं करता है,
क्योंकि इससे निकलने वाले धुएं और आवाज से वहां काम कर रहे कर्मचारी को परेशानी होती है। हर हफ्ते 20,000 से भी ज्यादा लोग गूगल में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। गूगल से जुड़े विवाद। 2018 में यूरोपियन यूनियन ने गूगल पर सबसे बड़ा 34,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। गूगल पर आरोप थे कि उसने कंपटीशन के नियम तोड़े और अपने फायदे के लिए मोबाइल कंपनियों को पैसे दिए। 2019 में अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने गूगल पर 1,224 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। पेनल्टी लगाए जाने के पीछे वजह थी कि गूगल के यूट्यूब पर बच्चों की प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया था। गूगल ने फ्रांस में टैक्स से जुड़े विवाद को खत्म करने के लिए 7,600 करोड़ रुपए सेटलमेंट किया था। गूगल पर आरोप लगे थे कि उसने फ्रांस में बिजनेस से जुड़ी जानकारी छिपाई और पूरा टैक्स नहीं भरा। आज के लिए इजाजत, और ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।